डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर एक्सरसाइज 5.3 आज स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5.4। ये भी बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज है, कुछ भी न्यू नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x बाय साइन x। u बाय v फॉर्म अप्लाई कर लो इसमें, क्लियर। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू u बाय v स्क्वायर ऑफ v, क्लियर। फर्स्ट ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा माइनस, अब लोअर पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दें हम, साइन स्क्वायर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होगा, साइन एक्स कांस्टेंट रहेगा माइनस ई रेज टू पावर एक्स कांस्टेंट। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चे, कोस एक्स। डिफरेंशिएशन हो गया, अब बस ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ रहा है, टेक ई रेज टू पावर एक्स एज कॉमन। ये फाइनल आंसर, क्लियर। एंड पॉइंट नोटेड, कंडीशन ये है डिनोमिनेटर ये नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऊपर ले जाओ, ई रेज टू पावर एक्स वन बाय साइन कोसेक बन जाएगा, फिर u मल्टीप्लाई v फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, u मल्टीप्लाई v फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। नाउ बच्चे क्वेश्चन नंबर टू, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, चेन है ना, ये डबल डेरिवेटिव है। फर्स्ट ई को डिफरेंशिएट करो, देन साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करो। यस बच्चे, फर्स्ट ई को ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स तो यही रहेगा। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, साइन इनवर्स एक्स को, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का बच्चे क्या होगा, वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब। डबल डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट ई रेज टू पावर एक्स का, फिर पावर जो एक्स क्यूब है उसको डिफरेंशिएट करोगे आप। यस बच्चे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब। अब किसको डिफरेंशिएट करें, एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब ये कॉन्स्टेंट रहा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर थ्री। नाउ क्वेश्चन नंबर बच्चे आता है फोर, वाई इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स। चेन रूल है, फंक्शन सिंगल है, डेरिवेटिव ट्रिपल है, साइन थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट साइन थीटा को डिफरेंशिएट करो बच्चे, कोस थीटा। थीटा क्या है, टेन इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स। साइन को डिफरेंशिएट कर दिया, अब साइन को छोड़ दो आप। अब किसको करें डिफरेंशिएट, टेन इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स को। ये तो आउटर जैसा है, रख दो, डिफरेंशिएट होके बाहर आ गया। टेन इनवर्स का क्या होता है बच्चे, टेन इनवर्स का वन बाय वन प्लस किसका स्क्वायर, ई रेज टू पावर एक्स है तो इसका स्क्वायर। टेन इनवर्स का हो गया, नाउ डिफरेंशिएशन किसका करें बच्चे, ई रेज टू पावर एक्स का। ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स हो गया, इसका डिफरेंशिएशन रख दिया, इसको वन प्लस ई रेज टू पावर टू एक्स कोस टेन इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स। साइन का कोस थीटा, टेन इनवर्स का वन बाय वन प्लस ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर, फिर ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स। ये क्वेश्चन नंबर फोर। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव,
क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे देखो क्या है, y इज इक्वल टू log cos e रेज टू पावर x, ट्रिपल डेरिवेटिव है, log x, log x का 1 बाय x, फिर cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा e रेज टू पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, log 1 बाय क्या है इसके साथ cos e रेज टू पावर x, log को डिफरेंशिएट कर दिया बच्चे, नाउ cos थीटा को डिफरेंशिएट करना होगा ना, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन थीटा, चलो अब डिफरेंशिएट किसको करें, थीटा जो है e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x, साइन थीटा बाय cos थीटा, थीटा देखो मैच कर रहा है ना, tan थीटा, tan e raised to the power x, ये है क्वेश्चन नंबर 5, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चे क्या है, y is equal to e raised to the power x, e raised to the power x square, x क्यूब x रेज टू द पावर 4, कंप्लीट ही राइट कर देता हूँ ना यहाँ पर, x रेज टू द पावर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, करे e रेज टू पावर x का, पहले e का करो, e का हो गया, अब किसका करोगे, x का, वैसे राइट ही कर रहा हूँ, ये कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी कर देता हूँ, चेन रूल है, e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x स्क्वायर, अब किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का, e रेज टू पावर एक्स क्यूब का, सेम डबल है ना, पहले ई का और फिर पावर का, ई का तो सेम वही रहता है, अब एक्स क्यूब का करोगे, e रेज टू पावर एक्स 4, अब एक्स रेज टू पावर 4 का करो, फाइनली e रेज टू पावर एक्स 5, अब एक्स रेज टू पावर 5 को डिफरेंशिएट करो, हो गया क्वेश्चन देखे दो, x का x के अकॉर्डिंग 1 e रेज टू पावर x, x स्क्वायर 2x e रेज टू पावर x स्क्वायर, x क्यूब का बच्चे क्या होगा 3x स्क्वायर, x रेज टू पावर 4 का 4x क्यूब, x रेज टू पावर 5 का 5x रेज टू द पावर 4, क्लियर, प्लस में भी था एंड चेन रूल भी था, डबल था ना, नॉट सो लेंथी, इतने कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, 6, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू अंडर रूट e रेज टू द पावर अंडर रूट x, कितने डेरिवेटिव्स हैं, 3, पहले अंडर रूट का डिफरेंशिएशन, फिर e का, फिर इस अंडर रूट का, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन बच्चे क्या होता है 1/2 सेम रूट, क्लियर, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, पहले इस अंडर रूट का करते हैं, इस अंडर रूट का होता है 1/2 सेम रूट, जो रूट है वही राइट कर दो, अब किसका करें, इस अंडर रूट को कवर करो, अब क्या रह गया e रेज टू पावर अंडर रूट x, अब e का डिफरेंशिएशन सेम ही रहेगा, यही e रेज टू पावर अंडर रूट x, e का हो गया, e को कवर अप कर लो, अब किसको करो अंडर रूट x का, यस बच्चे अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चलो एक बार सीधा ही राइट कर देते हैं, फिर जॉइंट कर देना, e रेज टू पावर अंडर रूट x, अंडर रूट का क्या होगा 1/2 सेम रूट, अंडर रूट का हो गया, x का तो x के अकॉर्डिंग 1 ही होता है, तो आंसर क्या है e रेज टू पावर अंडर रूट x बाय 4 अंडर रूट x अंडर रूट e रेज टू द पावर अंडर रूट x, सब एक साथ
रख दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर एट क्या है बच्चे? log x। क्वेश्चन नंबर एट ही है ना? यस, एट। y इज इक्वल टू log x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इस log का करें, log का 1 by क्या है? log x है, तो 1 by log x। चलिए फर्स्ट वाली log का हो गया, उसको छोड़ो, अब किसका करें? log x का, 1 by log x। यस, इस log का 1 by x, log का हो गया, x का x के अकॉर्डिंग 1 होगा, तो आंसर 1 by x log x। एनसीईआरटी में नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन कम है, सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लास्ट में हम करेंगे डिस्कस इन वन वीडियो। यस बच्चे, नाइन, क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू cos x बाय log x, cos x बाय log x, तो करें डिफरेंशिएट u बाय v फॉर्म। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ log x। फर्स्ट ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करोगे ना आप, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, माइनस cos x विल रिमेन कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन बच्चे होगा किसका? log x का। यस, करते हैं डिफरेंशिएशन। नाउ बच्चे क्या होगा? log x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस cos x, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x बाय होल स्क्वायर ऑफ log x। 1 by x है, सबको x से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x log x sin x माइनस cos x बाय x मल्टीप्लाई होल स्क्वायर ऑफ log x। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू cos log x प्लस e raised टू द पावर x। चल करें डिफरेंशिएशन, चेन है, cos थीटा है, फर्स्ट cos थीटा का डिफरेंशिएशन करो बच्चे, क्या होगा? माइनस sin थीटा, cos का डिफरेंशिएशन हो गया। नाउ अब जो थीटा है उसको डिफरेंशिएट करो, करें थीटा को डिफरेंशिएट, माइनस साइन log x प्लस e रेज टू द पावर x, इसको करते हैं, log x का क्या होगा? 1 by x e रेज टू पावर x का e रेज टू द पावर x, ये फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 में इतना मैटर नहीं था, नॉर्मल एक्सरसाइज थी, तो इसे क्लियर करें, नेक्स्ट आगे वाली क्लास में 5.5 कंप्लीट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड एग्जाम में 5.5 में क्वेश्चन रहता ही रहता है।